भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं बिहार के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इस बात के लिए कि बिहार के लोग इतनी बड़ी आपदा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए तेजी से जो फैसले लिए गए हैं, जिस तरह बिहार के लोगों ने काम किया, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने काम किया, उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है। अगर बिहार में तेजी से काम न हुआ होता तो ये महामारी न जाने कितने साथियों की, हमारे परिवारजनों की जान ले लेती, कितना बड़ा हाहाकार मचता, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज बिहार कोरोना का मुकाबला करते हुए सारी सावधानियों के साथ लोकतंत्र का पर्व मना रहा है। साथियों, मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं। बिहार के लोगों को ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया है। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे।